हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम कैसे सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को वो देखेंगे। तो यहाँ पे लेने वाले हैं हम डिवीजन का। हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे उसका डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप करते थे वैसे करते हैं। सबसे पहले अपना लगा लेते हैं जो लगाते थे। ओके, उसके बाद अगर हम बोले आपको दो नंबर का डिवाइड करो तो कैसे करिएगा, आप सिंपल कहिएगा क्या, इंट के बदला आप फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ए कॉमा बी। आप कहिएगा दो वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल लेने के बाद आप क्या कहिएगा, हम सी इन करवा लेते हैं, तो सी इन और हम यहाँ पे कर देते हैं ए, और उसके बाद बी, ए और बी यहाँ पे हम इंटर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद एडिशन डायरेक्ट आप परफॉर्म करवा दीजिएगा। डायरेक्ट एडिशन नहीं, डायरेक्ट डिविजन परफॉर्म करवा दीजिएगा। कैसे, सी आउट और उसके बाद यहाँ पे कहिएगा क्या, ए बाई बी, ए बाई यहाँ पे बी कर देंगे, परफॉर्म करवा देंगे अपना। ओके, चलिए इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसको कुछ कुछ एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आएंगे। ओके, यहाँ पे रन करवा दिए हैं। रन करवाने के बाद इनपुट लेगा, तो इनपुट यहाँ पे देते हैं हम क्या, चार, और उसके बाद दे देते हैं दो, तो हमारा आंसर में आ जाएगा टू। ठीक है, 4 बाय 2 क्या होता है, 2 होता है। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम रन करवाते हैं इसको। इस बार दूसरा आउटपुट देते हैं, दूसरा इनपुट देते हैं, जैसे मान लेते हैं इस बार 5 और फिर 2 देते हैं, तो मेरा 2.5 आ गया डिवाइड होकर। ओके, फिर से क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे रन करवाते हैं, फिर से इसमें आउटपुट देते हैं। इस बार करते हैं 2 बाय 2 और यहाँ पे करते हैं 0, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ और आ गया, इनफाइनाइट करके आ गया। ओके, उसका यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसको रन करवाते हैं, और रन करवाने के बाद यहाँ पे देते हैं क्या, रन करवाने के इस बार देते हैं हम क्या, 0 और उसके बाद 0 जीरो 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 है, तो यहाँ पे नन कुछ कर करके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल फंक्शन जो था, तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, अब इस पर देते हैं एक बार और 0 और 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा दे रहा था नीचे में, हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, 0 दे रहे हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिटरमिनेंट हो जाता है, क्या वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देते हैं 2, अब भाई हम 0 करते हैं, 2 बाई 0, तो हमको रिजल्ट में कहना चाहिए इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट यहाँ पे मेरा होता है नंबर अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड जब फॉर्म होता है तो वो तो मेरा एक्सेप्शन हो गया। वहाँ तो हमारा क्या आना चाहिए, ए कहाँ के आना चाहिए, जब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करके कुछ और रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, फिर हम 0 बाई 0 फॉर्म का यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऊपर में भी न्यूमिनेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 0 देते हैं, तो हमको यहाँ पे नन आ रहा है, तो यहाँ पे हमको आना चाहिए क्या, ये आना चाहिए अनडिटरमिनेट फॉर्म करके आना चाहिए। ये सब जो हमारा है नॉर्मल प्रोसीजर में, मेरा ये सब जो आ रहा था इसको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए मेरा आया एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो क्या करेगा, अनवांटेड कंडीशन को क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको सॉल्व करेगा। ओके, तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लगा लीजिए अपना सीपीपी का फाइल जो लगाते हैं, और उसके पहले आपको एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करना गया, एक्सेप्शन का हेडर फाइल। तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं क्या, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जस्ट लिखिएगा तो आपको एक्सेप्शन का हेडर फाइल आ गया। अब एक्सेप्शन का हेडर फाइल आने के बाद आप जैसे नॉर्मल लिखते थे वैसे ही लिखिए, जहाँ पे हमको चेंज करना होगा वहाँ पे करेंगे। जहाँ पे आप नॉर्मल लिखते थे वैसे ही लिखना है। तो नॉर्मल कैसे लिखते थे, हम वेरिएबल क्लियर कर देते हैं, इंटीजर टाइप का नहीं फ्लोटिंग टाइप का, तो फ्लोटिंग टाइप का हम यहाँ पे वेरिएबल क्लियर कर लेते हैं, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ए और बी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या क्या करेंगे, ए और बी को इंटर करवा लेंगे। तो पहले हम सी आउट करते हैं, सी आउट इंटर टू नंबर, इंटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंटर करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं, उसके बाद सी इन कर लेते हैं, सी इन ए, उसके बाद बी, ए भी यहाँ पे हम इंटर करवा लेंगे। ए और बी इंटर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम परफॉर्म करवा देंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं इस टाइप का, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट ही करवा देते हैं, या फिर एक वेरिएबल बना देते हैं, चलिए फ्लोटिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट सी, और उसमें हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू ए बाय बी। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, सी आउट, उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा ए का सी का वैल्यू होगा उसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही करते थे, चलिए रन करवा कर देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेप्शनल हेल्डिंग इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, 4, उसके बाद 2, तो रिजल्ट मेरा 2 आ रहा है, सही चल रहा है एकदम।
अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कहीं पे अगर जीरो दे देते हैं, नोमिनेटर में मेरा क्या होता है और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, नीचे में जो भी नीचे वाला होता है, जैसे यहाँ पे बी का वैल्यू अगर हम जीरो दे देते हैं तो क्या होता है, बी का वैल्यू जीरो देते हैं तो मेरा वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है, वो क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, तो अनडिफाइंड हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा तीन चीज़ आता है क्या, ट्राई कैच एंड थ्रो, ट्राई कैच एंड थ्रो। ट्राई का सेगमेंट उसमें रहता है जहाँ पे हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, उसको हम ट्राई करेंगे, ट्राई मतलब क्या होता है कोशिश करना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो चीज़ रहेगा जहाँ पे हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई के ब्लॉक के अंदर में हम क्या करेंगे थ्रो रखेंगे, तो थ्रो क्या करेंगे ट्राई के अंदर रखें, जहाँ एक्सेप्शन आया वैसे हम थ्रो करेंगे, थ्रो मतलब होता है फेंकना, तो वहाँ पे हम क्या फेंकेंगे, वहाँ पे हम एक्सेप्शन फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे वो पता चल जाएगा, एक्सेप्शन फेंकेंगे तो एक्सेप्शन फेंकेंगे तो कुछ कैच करने के लिए भी रहना चाहिए, तो जस्ट ट्राई के बाद हम क्या करेंगे कैच ब्लॉक लगाएंगे, जो क्या करेगा जो भी एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उसको कैच करेगा और जो भी प्रिंट करवाना होगा वो प्रिंट करवाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोट सी हम डिक्लेयर किए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, या फिर हटाते हैं क्या, ये डायरेक्ट यहीं रखते हैं, और यहाँ पे हम अब कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये डिवाइड कब होना चाहिए, डिवाइड तब होना चाहिए जब मेरा बी नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर बी जीरो के बराबर नहीं है तब मेरा डिवाइड होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, इतना जो भी चीज़ है इसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, जस्ट ट्राई लिखना है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अपने यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो हमने ट्राई लिखा, ठीक है ट्राई लिखा, और ट्राई में क्या करेंगे ट्राई, ये ट्राई ब्लॉक का ब्लॉक करेंगे, ट्राई के ब्लॉक में हम चेक करेंगे क्या, चेक करेंगे इफ 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 अगर बी मेरा नॉट इक्वल टू, बी मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर बी मेरा जीरो के बराबर नहीं है तब क्या करना है, तब हमको डिवाइड करना है, तब क्या करना है हमको डिवाइड परफॉर्म करना है, तो ये वाला जो डिवाइड वाला सेगमेंट था आप इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, अगर बी जीरो के बराबर नहीं है तब हमको डिवाइड करना है, और अगर बी अगर जीरो के बराबर हो गया तो इल्स वाला सेक्शन में क्या करेंगे इल्स, अगर बी जीरो के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ से थ्रो करेंगे, क्या करेंगे थ्रो करेंगे, क्या थ्रो करेंगे एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, एक्सेप्शन कौन सा, यहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा जीरो होगा वो जीरो को थ्रो कर देंगे, तो बी यहाँ पे हमने थ्रो कर दिया, अगर मेरा हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ओके। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, अगर बी जीरो के बराबर नहीं है तो एकदम सही चीज़ है, सही चीज़ है तो हम उसको जस्ट डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद प्रिंट कर देंगे, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सी आउट जो है, सी आउट को भी हम क्या करते हैं ऊपर में सी के जस्ट प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ओके गाइस इसको यहाँ पे रख देते हैं, प्रिंट करवा देगा, डिवाइड करके प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद क्या करेंगे इस इल्स अगर जीरो के बराबर हो गया तो क्या करेंगे उसको वहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे, थ्रो कर दिए तो थ्रो करने के बाद हमको कैच करने वाला भी एक चाहिए, तो थ्रो के बाद हम क्या करेंगे कैच ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कैच, तो यहाँ पे हम कैच ब्लॉक बनाएंगे, कैच ब्लॉक में क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन यहाँ पे क्या देंगे जो भी मेरा थ्रो हो रहा है, जिस टाइप का डाटा मेरा क्या हो रहा है थ्रो हो रहा है, तो जिस टाइप का डाटा मेरा थ्रो हो रहा है वहाँ पे हम लिखेंगे उस टाइप का डाटा, तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का डाटा आ रहा है तो फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट बी कर देते हैं, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे इसका हम ब्लॉक में क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे, सी आउट, सी आउट यहाँ पे लिखेंगे कांट डिटरमाइंड, कांट डिवाइड, कांट डिवाइड बाय जीरो, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम प्रिंट करवा देंगे, मैसेज प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पे अब जब भी हम जीरो देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा अगर हम जीरो एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया जो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं जीरो से, चलिए इसको हम पहले रन करवा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है कहीं पे सेमी कोलन छूट गया क्या, इफ के बाद इल्स आ रहा है बोल रहा है, इफ के बाद इल्स आना चाहिए, अच्छा इसको हम ब्लॉक के अंदर में रखना पड़ेगा, ओके गाइस इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था, सबको हमको ब्लॉक के अंदर में रखना पड़ता, ओके 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 अब ठीक है, अब एरर नहीं आएगा, अब रन करवाते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है इंटर करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर, फोर और टू, तो फोर और टू कर देते हैं तो टू मेरा एकदम सही चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम देंगे जीरो, इस बार देंगे तो इस बार हम दे देते हैं फोर और जीरो, फोर और जीरो जैसे ही दिए वैसे ही बोला है क्या कांट डिवाइड बाई जीरो, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कांट डिवाइड बाई जीरो, जो भी हमने मैसेज दिया वहाँ पे प्रिंट हो गया आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम वो चीज़ रखेंगे जिसमें हमको लगता है एरर आ सकता है, तो हमको लग रहा है जी हम डिवाइड वाला में एरर आ सकता है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो रख दिए हैं, और यहाँ पे चेक कर लें अगर बी मेरा क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है तब ये डिवाइड करना है, और अगर बी इक्वल टू जीरो हो गया तो हमको क्या करना है वहाँ से
जो भी हमारा मैसेज है उसको थ्रो करना है। थ्रो करना है मतलब एरर को थ्रो करना है। एरर यहाँ पे क्या था, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या था, 0। तो उसको हमने थ्रो कर दिया, यहाँ पे कुछ भी थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थ्रो किया, जैसे ही थ्रो किया वो अपना कैच ब्लॉक को खोलेगा। जैसे यहाँ पे बी के इंटीजर टाइप का था तो इंटीजर टाइप का कैच कैच ब्लॉक खोल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बार बी को हम टाइप कर देते हैं इंट, यहाँ पे कर देते हैं इंट, और यहाँ पे हम कुछ और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कॉमा कॉमा को लगा देते हैं। अब रन करते हैं इसको, ओके। इस बार देते हैं 4 और 0। यहाँ पे देखिए कांट डिवाइड बाई 0 हो रहा है। और यहीं पे अगर बी का टाइप मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है, बी का टाइप इंटीजर होता है तो क्या होता है, बी का टाइप अगर इंटीजर होता है तो वो इंटीजर वाला को कॉल करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसका हम टाइप चेंज करके करते हैं क्या, इंट, टाइप चेंज करके कर दिए इंट। और इसका भी हम टाइप चेंज करके करते हैं क्या, या फिर रहने देते हैं बी का वैल्यू पे होगा, यहाँ पे फ्लोट रहने देते हैं, फ्लोट रहने देते हैं, इस बार इंट करते हैं, ओके। चलिए फिर से इसको रन करते हैं, ओके गाइस। इस बार हम करते हैं 4 और 0। तो यहाँ पे देखिएगा डॉट 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 जो हमने नीचे कैच ब्लॉक लिखा था वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है जो हमारा कौन सा इस बी के टाइप से मैच कर रहा है। तो बी का टाइप क्या है, अभी बी का टाइप हो गया इंटीजर, पहले क्या था, पहले फ्लोट था। तो बी के जो भी टाइप था उससे यहाँ पे क्या होगा, मैच होगा, और मैच होने के बाद उसको कॉल किया जाएगा कि इस बार इससे मैच हुआ था, इंटीजर से मैच हुआ था इस बार, तो इंटीजर वाले को कॉल कर दिया, और फ्लोट से मैच होगा तो फ्लोट वाले को कॉल कर देगा, ओके। तो यहाँ पे हम कितना भी कैच ब्लॉक दे सकते हैं, जिस टाइप का एक्सेप्शन मेरा थ्रो होगा उस टाइप का कैच ब्लॉक यहाँ पे कॉल होगा, ओके। इतना चीज क्लियर हुआ गाइस। तो इसमें आप बहुत सारा आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं, कैच ब्लॉक को ऊपर रख दीजिए, या चलिए हम यही ऊपर रख देते हैं कैच ब्लॉक को, कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे हम ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। तो कैच ब्लॉक को हमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया, अब इसको रन करवाते हैं, ओके। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक बोला जाएगा, कैच ब्लॉक को हम पहले नहीं दे सकते हैं, ट्राई के बाद ही कैच ब्लॉक आएगा, ओके। तो ट्राई ब्लॉक जो के बाद है उसको ही कैच ब्लॉक देना है, ऐसे नहीं जो कैच ब्लॉक को ऊपर रख देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। जैसे जब भी देना है ट्राई ब्लॉक को कैच ब्लॉक के बाद ही देना है, ओके, सॉरी ट्राई ब्लॉक के बाद ही हमको कैच ब्लॉक को देना है, ओके गाइस। ये मालूम चल गया। तो इसमें आप कुछ भी मॉडिफाई करके अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पे रहने देते हैं गाइस इतना ही, बस इसमें ये ध्यान देने वाले थे एक्सेप्शन को यहाँ पे हमको जब भी करना है, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बस बेसिक चीज़ बताए हैं, तो यही समझिए, यही काफ़ी है। और उसके बाद अगर और जानना होगा तो आप एडवांस चीज़ में जा सकते हैं, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, हमने पहले बेसिक जो हमारा होता है वो समझ लिया, और बेसिक समझने के बाद उसमें हम कैसे अपना एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं वो समझे, और उसके बाद हम इसमें इसमें कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो भी समझे, ओके गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।